तो फिर आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम की जो वीडियोस होती हैं उनके ऊपर हम थंबनेल कैसे लगा सकते हैं, जिस तरह हम यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगाते हैं उसी तरह से हम सेम इंस्टाग्राम की वीडियोस के ऊपर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीर तकरीबन 2-3 दिन से मेरा इंटरनेट का मसला बना हुआ था, तो इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं था कर सका। तो वीर, मेरा नाम है शहजाद, आप देख रहे हैं शहजाद टेक्निकल। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यह है कि सबसे पहले आपने अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद अब अपनी यहाँ पे अपलोड पे आ जाना है, जहाँ से आप वीडियोस और फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं। यहाँ से मैंने एक वीडियो को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको नेक्स्ट की ऑप्शन मिल जाएगी, इसको आपने यहाँ से ऊपर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे कवर की एक ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने आ जाना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है और अब आपकी वीडियोस के अंदर जितने भी सीन्स होंगे, ठीक है, पार्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आपको जो ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब आप ये जो कवर हैं इसके ऊपर आप कोई भी यहाँ पे वीडियो का ऐड कर सकते हैं जो आप ऊपर लगाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने ये जो एक कवर है ये मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद ये जो कवर है उसके ऊपर आए। तो इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और फिर आपने यहाँ से ऊपर से इसको नेक्स्ट कर देना है और फिर आपने इसको शेयर कर देना है। जो ही आप शेयर करेंगे तो 2-3 सेकेंड्स के अंदर ही आपकी जो वीडियो होगी वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी। तो मैं जैसा कि आपको दिखा भी देता हूँ कि वो अपलोड होने के बाद उसका जो थंबनेल है वो किस तरह से आपको नज़र आएगा। तो आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और जो कवर और थंबनेल मैंने इसके ऊपर लगाया था वही सेम यहाँ पे वो वीडियो के ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से आपने वीडियो के अंदर से कोई भी कवर या थंबनेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई थंबनेल वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं, जिस तरह हम यूट्यूब के ऊपर लगाते हैं, तो आप कैसे लगा सकते हैं उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास काइन मास्टर मौजूद है तो वो भी ठीक है। यहाँ से काइन मास्टर को ओपन कर देना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर मीडिया ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने जाना है। और अब आपने वहाँ पे वो वीडियो सेलेक्ट कर देनी है जो आप जिसके ऊपर थंबनेल आप लगाना चाहते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपने वो थंबनेल सेलेक्ट करना है जो आप वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं। और वो जो थंबनेल होगा या तो आप वीडियो के एंड के ऊपर लगा सकते हैं और या वीडियो के शुरू के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये जो थंबनेल है वो मैं वीडियो के एंड के ऊपर लगा देता हूँ। तो उसके लिए आपने करना यह है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले मीडिया ब्राउज़र के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने वो जो थंबनेल होगा वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो वो थंबनेल मैंने यहाँ से ये देखें कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो थंबनेल होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने फुल जो है वो कम कर देना है जहाँ तक आप कर सकते हैं। तो फिर इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपने इसके ऊपर जो है वो आपने लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपने मीडिया के ऊपर जाना है। मीडिया के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ से फिर वो थंबनेल यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको आपने इतना सा जो है वो आपने सिलेक्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब आपने यहाँ से वीडियो का जो डाउनलोड का जो ऑप्शन होगा सेव करने का वो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो आपकी वीडियो होगी वो काइन मास्टर से एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो जो है वो अब एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम दोबारा अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा जाना है अपलोड वाले ऑप्शन पे जहाँ से आपने पहले वीडियो को अपलोड किया था। तो ये एक वीडियो है जिसके ऊपर हमने थंबनेल को ऐड किया था। तो आपने इस तरह से इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से आपने इसको पहले एडिट करना है और यहाँ पे आपको जो कवर का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने आ जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो आपने थंबनेल ऐड किया है वीडियो के एंड के ऊपर वो जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अब आप इसको एज ए कवर एज ए थंबनेल इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे ये तो वैसे भी ऑटोमेटिक ही जो है वो थंबनेल बन चुका है इसको सिलेक्ट करने के अलावा, मगर आपको अगर ये यहाँ पे शो ना होता वीडियो के ऊपर तो आप यहाँ से कवर बना के इसके ऊपर लगा देना था आपने। तो इस तरह से आपने इसको कवर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। जो ही आप डन करेंगे तो फिर आपने इसको शेयर कर देना है। देख सकते हैं कि जो मैंने वीडियो शेयर की है वो जो वीडियो के ऊपर हमने थंबनेल लगाया है वो इस तरह से आपका वीडियो के ऊपर लग जाएगा। तो इस तरह से आपने किसी भी इंस्टाग्राम की वीडियो के ऊपर अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कवर लगाने का, और दूसरा एडिट करके जिस तरह से हमने लगाना है अपनी मर्ज़ी का वो भी मैंने आपको बता दिया।
तो व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।